is me Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about the songs of innocence and experience. So aaj is video mein hum songs of innocence and experience ke bare mein discuss karne wale hain jisko likha hai William Blake ne. So guys dekho yahan par hum songs of innocence and experience ka इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं. क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये पूरी एक सीरीज है जिसमें आपकी कुछ पोएम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की है और कुछ पोएम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की है. तो यहाँ पर मैं आपके साथ इंट्रोडक्शन डिस्कस करूंगी कि आखिर सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में है क्या. सो हम देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट विलियम ब्लेक. सबसे पहले हम जो पोएट है विलियम ब्लेक, उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. Then we'll discuss about introduction to his work. जो William Blake के work हैं उनके बारे में discuss करेंगे. Then we'll discuss about introduction to the songs of innocence and experience. कि आखिर जो इनकी ये poems हैं innocence और experience वाले में, ये है किस चीज से related, उसका introduction. और फिर जो आगे आने वाली videos होंगी उसमें मैं आपको songs of innocence की poem है जैसे the lamb है या introduction है, similarly experience की जो poems है वो discuss करेंगे. So without any further delay, let's discuss about introduction to the poet. और आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना सो दैट आपके जो भी इस पोर्शन से इंट्रोडक्शन टू इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट विलियम ब्लेक. सो गाइज हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द पोएट विलियम ब्लेक. ही वॉज बॉर्न इन लंडन इन नवंबर 1757. सो विलियम ब्लेक का जन्म कहाँ पर होता है? लंदन में होता है नवंबर 1757 में. एंड ही वॉज मोस्ट रिमार्केबल पोएट. यहाँ पर पोएट आना था POET. ही वॉज मोस्ट रिमार्केबल पोएट अमंग द प्रीकर्सर ऑफ रोमेंटिक रिवाइवल इंग्लिश. सॉरी रोमेंटिक रिवाइवल इन इंग्लिश. सो जो विलियम ब्लेक है, जो भी कुछ पोएट रहे हैं रोमेंटिक रिवाइवल के लिए स्टार्ट, जिन्होंने इस जेनर को किया प्रीकर्सर, मतलब जिन्होंने इस जेनरा की स्टार्टिंग की, उन पोएट्स में से ही विलियम ब्लेक भी एक मोस्ट रिमार्केबल पोएट रहे. एंड बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स वर डिसेंटर्स. इनके दोनों ही पेरेंट्स जो थे वो डिसेंटर्स थे. एंड उनके 5 बच्चे थे, मतलब जो ये थे विलियम ब्लेक के 5 सिबलिंग्स थे और जो विलियम ब्लेक थे वो सेकेंड नंबर के थे. डिप्राइवेशन एंड डिनाइल ऑफ लव फ्रॉम द फैमिली माइट हैव रीजनरेटेड इन ब्लेक्स माइंड एन एग्जॉटिक इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ हिज ओन. एग्जैक्टली, देखो ये 5 सिबलिंग्स थे विलियम ब्लेक और जो विलियम ब्लेक थे वो सेकेंड नंबर के थे. सो मे बी फैमिली से वो प्यार ना मिल पाया हो इन्हें जो वो एक्सपेक्ट करते हो, और फैमिली से डिप्राइवेशन के कारण उनके माइंड में एक इमेजिनरी वर्ल्ड उन्होंने बनाना स्टार्ट किया. एंड मे बी वही इमेजिनरी वर्ल्ड जो है वो उनकी इस क्रिएटिवनेस के पीछे का एक रीज़न हो, मतलब जो ये पोएट बने, जो भी इन्होंने पोम्स लिखी या जो इनके वर्क हैं, मे बी वो उनके उस इमेजिनरी वर्ल्ड से ही इंस्पायर्ड हो, उसी से ही रिलेटेड हो, और वही इमेजिनरी जो वर्ल्ड है इनकी पोएम्स लिखने का एक रीज़न बना हो. कुछ भी रीज़न हो सकते हैं. ब्लेक मेड अ मॉडेस्ट बट प्रॉमिसिंग स्टार्ट एज अ पोएट, एज अ पेंटर, एज अ बुक इलस्ट्रेटर. सो देखो जो ब्लेक थे ना वो मॉडेस्ट थे, बट फिर वो पोएट बने. इन्होंने पेंटर की तरह भी काम किया और साथ ही साथ बुक इलस्ट्रेटर, मतलब बुक्स को इलस्ट्रेट करना स्टार्ट किया. एंड इन 1789 ही बिगैन अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द स्वीडनबर्गियन सोसाइटी इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ स्वीडिश साइंटिस्ट. सो 1789 में इन्होंने क्या किया, देखो पहले ये एज अ पेंटर और बुक इलस्ट्रेटर और कुछ पोएम्स भी लिखते थे, इस तरीके से वर्क करते थे. बट क्या होता है 1789 में ये मीटिंग अटेंड करना स्टार्ट कर देते हैं स्वीडन बॉर्गियन सोसाइटी की, और वहाँ पर ये देखते हैं, ये इंस्पायर्ड होते हैं स्वीडिश साइंटिस्ट की राइटिंग से, क्योंकि उन मीटिंग्स में ये पढ़ते हैं उन स्वीडिश साइंटिस्ट के जो वर्क थे, जो राइटिंग थे उनको पढ़ते हैं और ये उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं. एंड बिटवीन 1789 to 1795 बिगैन अ सीरीज ऑफ पोएम्स एंड डिजाइंस इन हिज इल्यूमिनेटेड प्रिंटिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स. सो देखो 1789 में इन्होंने मीटिंग्स अटेंड करना स्टार्ट की, वहाँ पर ये साइंटिस्ट की राइटिंग्स पढ़ते और उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर इन्होंने 1789 से 95, मतलब 6 सालों के बीच में एक पोएम्स की पूरी सीरीज डिज़ाइन की और उसमें प्रिंटिंग भी की, और ये उनकी एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बनती है. एंड इन 1827 ही डाइड एट द एज ऑफ
69 की उम्र में ये मर जाते हैं, और इतने कम, मतलब इतना भी बहुत लंबा टाइम नहीं जिए, लेकिन इन्होंने जो अचीवमेंट्स की वो बहुत ज़्यादा थी. सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द पोएट. नाउ विल डिस्कस अबाउट हिज वर्क, द वर्क्स ऑफ विलियम ब्लेक. सो हियर इज द इंट्रोडक्शन टू हिज वर्क. His poetry is as delightful as it is challenging. So guys, देखो यहाँ पर आपको समझने की चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप analysis लिखते हो अपने exams में, critically analyze करते हो उस चीज़ को, तो आपको उसके पीछे का background पता होना चाहिए और points पता होने चाहिए कि आप उस चीज़ को किस तरीके से analyze करो. तो यहाँ से आप इसको ध्यान से समझना. So his poetry is as delightful as it is challenging. देखो इनकी poetry delightful है, no doubt, but it is challenging as well. His writings may be classified under the following literary heads. तो जो इनकी writings हैं उनको हम कुछ literary heads में divide कर सकते हैं जो कि नीचे दी हैं. First is lyrical poem. सबसे पहले कौन सी है? Lyrical. मतलब जिनमें lyrics हैं. और lyrical poems में इनकी कौन सी है? The songs of innocence and songs of experience which we will discuss here. हमें यही तो पढ़ना है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. सो यहाँ पर इनका जो लिटरेरी हेड की अगर बात करें तो वो है लिरिक्स, लिरिकल पोएम्स हैं, इनमें लिरिक्स हैं. देन इरेगुलर राइमलेस वर्ड्स. उसके बाद राइमलेस, एक तो उधर राइमिंग में होता है ना, रिदमिक, जो कि नेक्स्ट है भी रिदमिक प्रोज. सबसे पहले लिरिकल पोएम्स आता है, फिर इनका आता है इरेगुलर राइमलेस वर्ड्स. ऐसे वर्सेस लिखे जो राइमलेस हैं और इरेगुलर भी हैं. देन रिदमिक प्रोज, इन्होंने कुछ प्रोज भी लिखे हैं जो कि रिदमिक है, राइम्स हैं. देन डिस्क्रिप्टिव एंड क्रिटिकल प्रोज. सो इन लिटरेरी हेड्स में हम विलियम ब्लेक के वर्क्स को डिवाइड कर सकते हैं. मोस्ट वाइडली रीड पोएम्स आर कंटेन्ड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. इनके ज़्यादातर जो पोएम्स पढ़ी गई हैं, जो वेल नोन है, वेल रिगार्डेड है, वो किस में है? सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस में ही है. एंड हिज लिरिक्स आर सिंपल डायरेक्ट वर्ड्स विद इंटेंस फीलिंग्स. एग्जैक्टली, देखो हम जब सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस भी पढ़ेंगे ना, उनमें इनकी लिरिक्स बहुत सिंपल है, आप इजिली समझ जाओगे, बट उनकी फीलिंग्स जो है ना वो बहुत इंटेंस है, डीपली लिखते हैं वो. लिरिक्स और जो वर्ड्स है वो बहुत सिंपल है, बट आपको उसकी गहराई तक जाना पड़ेगा कि वहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं. वर्ड सिंपल हैं, बट आपको उसकी इंटेंसिटी तक जाना है कि आखिर पोएट का वहाँ पर क्या मतलब आ रहा है. He is a true romantic in his glorification of imagination. Exactly, वो true romantic है क्योंकि उनकी imagination की जो glorification है वो बहुत ही wonderful है. Indeed, Blake was an out rebel against social, political and literary conventions of 18th century. So देखो 18th century के time conventions समझते हो, जो society ने हम पर foundations लगा रखी होते हैं या set कर रखे होते हैं, set rules set कर रखे होते हैं. So Blake जो है, William Blake, वो 18th सेंचुरी के जो लिटरेरी कन्वेंशंस थे उनके अगेंस्ट में जाकर लिखते हैं. सोशल भी, पॉलिटिकल भी, और लिटरेरी कन्वेंशंस को तो वो ऑब्वियसली अगेंस्ट में जाते ही हैं. तो ब्लेक जो है वो 18th सेंचुरी के अगेंस्ट में, रिबेल में लिख रहे हैं ना, जो कन्वेंशंस हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपनी मनमानी से वो चीज़ें लिख रहे हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट हिज वर्क. नाउ विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि आप लोगों को ध्यान से समझना है. उसका इंट्रोडक्शन अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. सो गाइज, हियर इज इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कंपेनियन कलेक्शंस ऑफ लिरिक्स इन विच मैनी पेयर्स ऑफ पोएम्स ईच इन डिफरेंट मूड. यहाँ पर ये पेयर आना था, नॉट पेन्स. सो देखो, जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है और जो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो एक तरीके से कह सकते हो कंपेनियन कलेक्शन है. इनोसेंस में आपको इनोसेंट चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, और एक्सपीरियंस में मतलब मेच्योरिटी आ गई है. सो एक कंपेनियन कलेक्शन है लिरिक्स का, जहाँ पर पोएम्स के पेयर्स हैं. मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में दिखाई है चाइल्डिश, देन वहाँ पर जाकर मैच्योरिटी वाली बातें होती हैं. ईच इन डिफरेंट मूड, ऑब्वियसली इनोसेंस वाले में जो मूड है वो थोड़ा बच्चों वाला होगा, इनोसेंट वाला होगा. वाइल इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, वहाँ पर हमें मूड जो है वो थोड़ा मैच्योरिटी वाला देखने के लिए मिलता है. सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस पब्लिश्ड इन 1789, 5 years लेटर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वर पब्लिश्ड. सो 1789 में जो विलियम ब्लेक हैं वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस को पब्लिश करते हैं, एंड आफ्टर 5 years, इट्स मीन इन 1794 और 95, इनके बीच में ही पब्लिश्ड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल. पहले इनोसेंस आया, उसी से इंटर रिलेट करते हुए इन्होंने सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखे.
टू सेट्स बाउंड इन वन वॉल्यूम. अब देखो सबसे पहले 1789 में लिखा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, 5 साल बाद लिखा सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. अब ये दोनों इंटर रिलेटेड थे तो इन्होंने क्या किया, दोनों ही सेट्स को एक ही वॉल्यूम में बाउंड कर दिया. इट्स मीन इनोसेंस वाली कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस में जाकर रिलेट होती हैं. ब्लेक टाइटल्ड इट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो इन्होंने जब ये दोनों सेट्स को बाउंड किया, एक वॉल्यूम बनाई, तो इसको इन्होंने नाम दिया सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. शोइंग द टू कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन माइंड. एग्जैक्टली, ह्यूमन माइंड जो है ना वो बड़ा शैतान भी कह सकते हो आप, सॉरी ह्यूमन सोल नॉट माइंड, यहाँ पर माइंड भी आप कह सकते हो. वैसे यहाँ पर जो है विलियम ब्लेक वो ह्यूमन सोल के, ह्यूमन माइंड के दो कॉन्ट्ररी स्टेट्स को दिखाते हैं. देखो कई बार हम ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं जहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पाते यार ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए. सो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है, राइट. सो इसी तरीके से सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस में भी एक कॉन्ट्ररी स्टेट्स हैं, एक स्टेट कुछ और कह रहा है एक स्टेट कुछ और कह रहा है. सो ह्यूमन सोल के दो कॉन्ट्ररी स्टेट्स को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं. ब्लेक एक्सटेंडेड टू सेट्स टू बी रीड इन लाइट ऑफ ईच अदर. उसके बाद वो क्या कहते हैं, दोनों सेट्स को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ना है. सेट्स टू बी रीड इन लाइट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंटर रिलेट करके पढ़ना है. Several poems in second set are conscious parallel to the, poems in first set occasionally having same time. मैंने आपको कहा कि दोनों की poems कहीं ना कहीं interrelate होती हैं और Blake यहाँ पर ये चीज़ बोलते हैं कि दोनों को जब आप पढ़ते हो तो एक दूसरे को interrelate करके पढ़ें, क्योंकि कुछ poem जो second part में है वो conscious parallel है first part की poems के. मतलब फर्स्ट पार्ट में पोएम लिखी उसी से पैरेलल सेकंड सेट में उन्होंने दूसरी पोएम डाली जिसका कॉन्ट्राडिक्शन दिखाया है फर्स्ट वाले पार्ट से सेकंड वाले में. देयर आर फ्यू एग्जांपल्स पोएम्स इंक्लूडेड इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस बट ऑन लेटर ट्रांसफर्ड इन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. देखो कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की कोई पोएम है वहां पर इनोसेंस ही दिखाई गई है, इनोसेंट, ठीक है, और वही पोएम बाद में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जब ट्रांसफर की एज ब्लेक्स व्यू ऑफ हिज सब्जेक्ट मैच्योर्ड एंड क्रिस्टलाइज्ड. पहले वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में थी जब वो इतनी मैच्योर नहीं थी, बट जब उन्होंने इस पोएम को सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में ट्रांसफर किया उसमें जाकर लिखा तो वहां पर ब्लेक के जो व्यू हैं, व्यू पॉइंट जो है वो थोड़े मैच्योर और क्रिस्टलाइज्ड हो गए. मैच्योर जब हम हो जाते हैं तो एक्सपीरियंस से ही तो मैच्योरिटी आती है, तो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ और वहां पर मैच्योरिटी और क्रिस्टलाइजेशन उनके पोएम्स में, उनके सब्जेक्ट मैटर में हमें देखने के लिए मिलता है. तो यही तो हुए ना हमारे दो कॉन्ट्ररी स्टेट, जब छोटे होते हैं तब बच्चे होते हैं, इनोसेंस होते हैं, इनोसेंट होते हैं, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आता है मैच्योर होते चले जाते हैं. तो यहाँ पर ये दो कॉन्ट्ररी स्टेट्स हैं. इन ब्लेक्स लाइफ टाइम दिस वॉज द ओनली वॉल्यूम अप्रिशिएटेड बाय हिज कंटेम्प्रेरीज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज. देखो विलियम ब्लेक की लाइफ टाइम मतलब समझ रहे हो जब वो जिंदा थे उस टाइम पर सिर्फ यही एक ऐसा उनका वर्क वॉल्यूम था जिसको उनके कंटेम्प्रेरीज ने अप्रिशिएट किया. यू नो कंटेम्प्रेरी जो उनके टाइम के राइटर थे, जैसे हम हैं कोई और है हमारे ही टाइम में वो है तो वो हमारा कंटेम्प्रेरी हो जाता. आप एक राइटर हो, आप ही का कोई फ्रेंड या कोई आप ही के टाइम पर लिख रहा है तो वो आपका कंटेम्प्रेरी है. तो विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और विलियम ब्लेक ये तीनों कंटेम्प्रेरीज थे, एक ही टाइम पर लिख रहे थे. सो विलियम ब्लेक का सिर्फ सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इज द ओनली वॉल्यूम जिसको उनके इन दोनों कंटेम्प्रेरीज ने अप्रिशिएट किया, अच्छा बोला. मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड वर्क ऑफ विलियम ब्लेक. सो दिस वॉज दी नॉट वॉज दी दिस इज द मोस्ट वाइडली सर्कुलेटेड वर्क ऑफ विलियम ब्लेक. ये इनका सबसे ज़्यादा सर्कुलेटेड और सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला वर्क माना गया है. एंड पोएम सीम्स सिंपल लाइक चिल्ड्रंस राइम्स. सो यहाँ पर जो विलियम ब्लेक पोएम्स लिखते हैं ना वो बहुत सिंपल है, जैसे बच्चों की पोएम्स होती है वैसे. बट मैंने आपको कहा कि आपको उसकी इंटेंस तक जाना है ना, उनका मतलब क्या, उसकी डेप्थ तक जाना है. वर्ड्स पढ़ के आपको बहुत सिंपल लगेंगे, समझ भी आ जाएंगे, बट उसकी डेप्थ तक जब जाओगे ना आप तो मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा. सो वर्ड्स लिरिक्स बहुत सिंपल हैं जैसे बच्चों की पोएम्स होती हैं, बट दिस सिंप्लिसिटी ऑफ द पोएम हाइड द इंटेंस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द थीम्स एंड इश्यूज दैट द पोएम डील विद. ठीक है, वर्ड्स जो है वो बिल्कुल सिंपल हैं
वो सिंप्लिसिटी जो है ना वो उस पोएम की इंटेंस कॉम्प्लेक्सिटी को छुपा रही है कि पोएम के वर्ड्स बहुत सिंपल है लेकिन उसका मीनिंग जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर आपको इश्यूज दिखाए गए हैं 18th सेंचुरी के टाइम में किस तरीके की चीज़ें थी या विलियम ब्लेक के क्या व्यू पॉइंट है। वर्ड से एकदम डिफरेंट लगेगा लेकिन जब आप उसके डेप्थ तक जाओगे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी उसके मीनिंग को समझोगे तो वो अलग ही निकल कर आएगा। तो इस तरीके से उन्होंने इस पोएम को डिज़ाइन किया। यूजुअली सेड नो पोम कैन बी अनट्रेवल टू इट्स मीनिंग बट विलियम ब्लेक्स पोम कैन ओनली बी थॉरली अंडरस्टूड विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्लेक्स पॉलिटिक्स पर्सनल माइथोलॉजी एंड क्रिश्चियनिटी। एग्जैक्टली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। देखो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जो पोएम है ना वो अपने मीनिंग से नहीं अनट्रैवल रह सकती मतलब नहीं बच सकती, लेकिन विलियम ब्लेक की पोएम सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी पोएम है जहाँ पर अगर आप उनकी पोएम्स को पढ़ रहे हो तो आपको विलियम ब्लेक के व्यू पॉइंट से इंट्रोड्यूस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उनके व्यू पॉइंट से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाओगे उनकी पॉलिटिक्स उनकी माइथोलॉजी को नहीं समझोगे तो आप उसका मीनिंग कुछ और ही निकालोगे। अगर हम बात करें दूसरे पोइट्स की उन्होंने जो लिखा आपने पढ़ा आप समझ गए, लेकिन विलियम ब्लेक की माइथोलॉजी बहुत डिफरेंट है। अगर हम इनके वर्ड्स पढ़ते हैं इनके पोम्स पढ़ते हैं हम कुछ और मतलब निकालेंगे बट माइथोलॉजी इनके पॉलिटिकल व्यू पॉइंट को समझेंगे तब हम इसकी इंटेंस डेप्थ तक जा पाएंगे कि अच्छा मीनिंग तो ये है। टाइटल ऑफ द वॉल्यूम इन विच बोथ द सॉन्ग्स वर फर्स्ट पब्लिश द टू कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल। एग्जैक्टली देखो सबसे पहले जब इन्होंने इन दोनों वॉल्यूम को एक साथ बाउंड करके पब्लिश किया था फर्स्ट टाइम जब पब्लिश किया था तो उन्होंने इसका नाम रखा था द टू कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल। दिस वॉज द फर्स्ट नेम वेन इट वॉज पब्लिश्ड। लेटर ऑन इसका नेम चेंज हो गया बट द सॉन्ग्स शोज मोर देन जस्ट कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल। लेकिन जो इनके ये सॉन्ग्स है ना सिर्फ ये ह्यूमन सोल के कॉन्ट्ररी स्टेट्स को ही नहीं शो करते बल्कि और भी कई सारी चीजें हैं जिनको यहाँ पर ये शो करते हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूमन सोल का कॉन्ट्ररी स्टेट शो किया और कुछ भी नहीं, बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अगर मैंने कहा ना कि अगर आप उसकी इंटेंसिटी तक जाएंगे तो ही हाईलाइटेड द लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज ड्यूरिंग हिज टाइम। तो अगर हमें इनका टाइम पीरियड के बारे में पता होगा इनकी माइथोलॉजी के बारे में पता होगा तभी तो हम इनकी ट्रेडिशनल वैल्यूज किस तरीके से खो रही है इनके टाइम में क्या चेंजेस आ रहे हैं तभी तो समझ पाएंगे। तो अपने वर्क्स में जो विलियम ब्लेक है अपने टाइम की किस तरीके से ट्रेडिशनल वैल्यूज खोती जा रही थी उसके बारे में भी हाईलाइट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आजकल के सिनेरियो के बारे में तो आज भी जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज है वो बहुत रैपिडली चेंज हो रही है तो विलियम ब्लेक अपनी 18th सेंचुरी के ट्रेडिशनल वैल्यूज किस तरीके से लॉस हुई वो भी अपने पोएम्स के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। ही पेंट्स एन आइडियल फॉर्म ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड पिट्स द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी अगेंस्ट हिज इमेजिन्ड वर्ल्ड। तो देखो जो विलियम ब्लेक है वो एक आइडियल फॉर्म बताते हैं ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसी होनी चाहिए वो यहाँ पर पोर्ट्रे करते हैं। एंड ही पिट्स द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी अगेंस्ट हिज इमेजिन्ड वर्ल्ड और जो भी बाकी सोसाइटी है वो इनके वर्ल्ड के पूरे अगेंस्ट में दिखाते हैं। हिज सॉन्ग्स कॉल फॉर लिबरेशन ऑफ ह्यूमन एनर्जी एंड क्रिएटिविटी एंड क्रिटिसाइज द कंटेम्प्रेरी मूड फोर्ज्ड बाय द आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट एंड स्पिरिट्स ऑफ द एज मैनिफेस्टेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट। कि जो सॉन्ग्स है वो ह्यूमन एनर्जी और क्रिएटिविटी को लिबरेट करने की बात करते हैं और जो एनलाइटमेंट के बारे में आपको पता होगा एनलाइटमेंट के कारण जो भी चेंजेस आए उसको वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट को भी वो क्रिटिसाइज करते हैं। इट्स मीन यहाँ पर ये है कि ह्यूमन एनर्जी और क्रिएटिविटी को प्रमोट करना लिबरेट करना एट द सेम टाइम एनलाइटमेंट से जो भी कुछ चेंजेस आए हैं आइडियाज में वो जो उन्हें गलत लगता है उसको वो क्रिटिसाइज करते हैं और वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आपको पता होगा और कॉलोनियल कन्क्वेस्ट किस तरीके से दूसरे देशों पर कब्जे हो रहे थे उसको भी वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं। ब्लेक पोर्ट्रेज यूनिटी बिटवीन एनर्जी पोएट्री एंड गॉड एज एपोथियोसिस ऑफ एटर्नल इनोसेंस एंड एनस्लेवमेंट ऑफ इमेजिनेशन बाय रीजन इज एक्सपीरियंस। दिस एनस्लेवमेंट ऑफ इमेजिनेशन लेट द फॉल ऑफ मैन फ्रॉम गार्डन ऑफ इडन पैराडाइज लॉस्ट। जिसने पढ़ा होगा उसको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं वैसे यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी। सो देखो यहाँ पर विलियम ब्लेक क्या कहते हैं कि जो एनर्जी है पोएट्री है और जो गॉड है
इन तीनों के बीच में वो एक यूनिटी पोर्ट्रे करते हैं और कहते हैं कि ये एटर्नल इनोसेंस को पोर्ट्रे कर रहा है। और वो क्या कहते हैं कि जो हमारी इमेजिनेशन है ना, इसने हमें कहीं ना कहीं एनस्लेव कर रखा है, और यह इमेजिनेशन हमारे एक्सपीरियंस का रीज़न भी बनती है। क्योंकि देखो, जब हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं, उसको हम करते हैं, फिर हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस आता है। सो एक्सपीरियंस इज़ दी ओनली रीज़न कि हमें गार्डन ऑफ इडन से बाहर निकाला गया। जब हम इनोसेंट होते हैं तो सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है। जब बच्चे होते हैं किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती है। सो इसीलिए ब्लेक कहते हैं एनर्जी पोएट्री और गॉड जो है वो एटर्नल इनोसेंस को पोर्ट्रे कर रहे हैं, और जबकि जो एक्सपीरियंस है उसी के कारण हमें गार्डन ऑफ इडन से बाहर निकाला गया। पैराडाइज लॉस्ट में दो कैरेक्टर थे, एडम और ईव, उनको उनके एक्सपीरियंस के कारण, वो एक फ्रूट ऑफ नॉलेज होता है, वो खाने के बाद उन्हें नॉलेज आ जाती है, जिसके कारण गॉड उन्हें गार्डन ऑफ इडन से बाहर निकाल देते हैं। सो दिस एनस्लेवमेंट ऑफ इमेजिनेशन लेट द फॉल ऑफ मैन फ्रॉम गार्डन ऑफ इडन, उस इमेजिनेशन ने ही हमें गार्डन ऑफ इडन से बाहर निकलवाया था। एक्सपीरियंस नॉलेज से आया। हिज सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, हिज माइथोलॉजिकल एंड थियोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट रिप्रेजेंट्स अ बिलीव सिस्टम विच इज बोथ रेडिकल एंड स्पिरिचुअल। सो देखो, इनके जो पोएम्स हैं, ये सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस वाली, ये इनकी माइथोलॉजिकल और थियोलॉजिकल डेवलपमेंट को पोर्ट्रे करती है, साथ ही साथ इनका बिलीव सिस्टम को भी पोर्ट्रे करती है, जो कि रेडिकल भी है एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी है। रेडिकल समझते हो जो सोसाइटी में इंस्टेंट चेंज चाहते हैं, कि इंस्टेंट चेंज आना चाहिए सोसाइटी में, और स्पिरिचुअल तो रिलेटेड टू गॉड। सो इनकी जो माइथोलॉजी है और जो थियोलॉजी है उसकी डेवलपमेंट को दिखाते हैं, इनका बिलीफ सिस्टम दिखाते हैं, जो कि रेडिकल भी है एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी है। मोस्ट कॉमन इमेज ब्लेक यूज टू सिंबलाइज इनोसेंस इन हिज सॉन्ग्स बर्ड ऑफ पैराडाइज। सो देखो, जो विलियम ब्लेक है वो क्या इमेज यहाँ पर यूज करते हैं इनोसेंस को सिंबलाइज करने के लिए, बर्ड ऑफ पैराडाइज, और एक्सपीरियंस को सिंबलाइज करते हैं वो डार्क फॉरेस्ट से। इनोसेंस को सिंबलाइज किया बर्ड ऑफ पैराडाइज से, और एक्सपीरियंस को सिंबलाइज किया डार्क फॉरेस्ट से। ठीक है, डार्क फॉरेस्ट से रिप्रेजेंट और सिंबलाइज करते हैं एक्सपीरियंस, और इनोसेंस को बर्ड ऑफ पैराडाइज से, इन विच मैनकाइंड इज अलोन एंड लॉस्ट। देखो, एक्सपीरियंस जब हमें आ जाता है ना, हम समझदार हो गए, हमें नॉलेज आ गई, उस टाइम पर है ना मैनकाइंड, मतलब जो पर्सन होता है वो अलोन हो जाता है और लॉस्ट। सो इस तरीके से वो सिंबलाइज करते हैं इनोसेंस और एक्सपीरियंस को। शुड कैप्ट इन माइंड व्हाइल एनालाइजिंग सॉन्ग्स ऑफर अ नाइस एंड सिंपल इलस्ट्रेशन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, बट वी हैव टू होल्ड द मीनिंग्स। सो देखो, जब भी आप ये पोएम पढ़ते हो तो आपको एक चीज माइंड में जरूर रखनी है, यहाँ पर शुड कैप्ट इन माइंड, की माइंड में जरूर रखो कि ये जो पोएम्स यहाँ पर विलियम ब्लेक ने लिखी है, ये बहुत सिंपल और नाइस इलस्ट्रेशन है जो भी कुछ हो रहा है उसकी, लेकिन हमें किस पर जाना है, मीनिंग पर। तो मीनिंग समझने की हमें पूरी कोशिश करनी है। सो हियर इज इंटरेस्टिंग पार्ट दैट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पोएम्स रिटन ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड बाय रोमांटिक पोएट। सो देखो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि विलियम ब्लेक का जो ये वर्क है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये बाकी जो इनके कंटेम्प्रेरी पोएट्स है, बाकी जो रोमांटिक पोएट्स है, उनके वर्क से बहुत डिफरेंट है। मतलब रोमांटिक पीरियड में जो भी वर्क लिखे गए, उन वर्क से ये वर्क बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। एंड द फैक्ट इज दैट ब्लेक वॉज नॉट सिंपली अ पोएट बट एन एंग्रेवर, एन आर्टिजन, लंडन ईयर। लंडन वॉज अ मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट ऑफ हिज पोम्स, ही सॉ लंडन एज द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जो चेंजेस आए वो बहुत ही देखने लायक भी थे। सो ऐसा क्यों है कि बाकी पोएट से इनकी पोएम्स इतनी अलग है? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो विलियम ब्लेक है ना, वो सिर्फ एक पोएट नहीं है, बल्कि वो एक आर्टिस्ट भी थे, एक एंग्रेवर भी थे, एंड मेन पॉइंट इज दैट वो लंदन से बिलोंग करते थे, और उस टाइम पर लंदन जो है ना वो एक उभरता हुआ सब्जेक्ट आ रहा था, और इनकी पोएम्स का जो क्रूशियल सब्जेक्ट रहा वो लंदन ही था। सो लंदन को इन्होंने देखा वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस की तरह, और इन्होंने अपनी पोएम्स में उन चीज़ों को उतार दिया देखकर, जो इन्हें लगा कि हाँ मुझे लिखनी चाहिए। सो दैट इज द रीजन कि इनकी पोएम्स बाकी पोएट से इतनी डिफरेंट क्यों है। द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस इज लेस मेलनकोलिक एंड ट्रैजिक देन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो देखो, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की बात हो रही है तो वो ट्रैजिक तो होने वाला है नहीं, ट्रैजिक तो नहीं होगा सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। सो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लेस मेलनकोलिक है, और लेस ट्रैजिक तो होगा ही नहीं, मैंने आपको कहा। सो लेस मेलनकोलिक है। दे
आर जॉयस, एक्सप्रेस हैप्पीनेस, लाफ्टर एंड लाइटनेस. सो देखो, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस क्या दिखाता है? जॉयनेस दिखाता है, हैप्पीनेस दिखाता है, लाफ्टर एंड लाइटनेस. ट्रेजिक थोड़ी होगा वो. द वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस इज नॉट ओनली थ्रेटेंड बाय द एक्सपीरियंस और अदर आउटसाइड डेंजर्स, थ्रेटेंड बाय इनोसेंस इटसेल्फ. एग्जैक्टली, देखो वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस के लिए खतरा कुछ नहीं है. ये नहीं कि हाँ बाहर से कोई डेंजर आने वाला है. नो, एक्सपीरियंस भी कोई खतरा नहीं है उसके लिए. उसके लिए जो खतरा है वो इनोसेंस खुद ही है. कहते हैं ना, हम कोई चीज़ की जो जहर है वही जहर को काटता है, इस तरीके की कुछ चीज़ें हम बोलते हैं. सो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो खुद के लिए ही जहर बन जाती है. सो वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस के लिए जो सबसे बड़ी धमकी है, जो सबसे बड़ा खतरा है, वो कुछ और नहीं बल्कि इनोसेंस खुद ही है. सो गाइज, दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. एंड वेरी सून विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट पोएम ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस नेम्ड इंट्रोडक्शन. उसके बाद की जो पोएम्स होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से क्लियर हो गई होगी. और इसके बाद भी इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट, देन यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज एंड व्हाट्सअप. आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और पोएम, शॉर्ट स्टोरी, नॉवल के बारे में डिस्कस करें, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज वेल. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.